हैं चंडीगढ़ से मनमोहन सिंह। मनमोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते जी। मैंने 500 अदानी विल्वर लेकर रखे हुए हैं, तो वो करीब 350 का एवरेज पड़ा मेरा, उसके बारे में अभी क्या बताएंगे, रखें या उसको निकाल लें? 350 का एवरेज है। ओके, तो फिलहाल तो मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर मनमोहन जी, 500 शेयर्स 350 के एवरेज लेवल है आपका, ठीक है। शर्मिला जी क्या सजेस्ट करेंगे अदानी विल्मर पर आप, और 350 पर इन्होंने लिया, अब 315 का एवरेज प्राइस है, इस वक्त देखें तो 680 के पास कारोबार कर रही है स्टॉक, और लगभग लगभग अगर इस स्टॉक को देखें तो 680 के पास, आज के दिन 680 के पास कारोबार कर रहा है, सपाट ही ग्रोथ आज यहाँ अदानी विल्मर के स्टॉक में देखने को मिल रही है, बट स्टॉक पर व्यू क्या बन रहा है आपका? हमने तो देखा था 800 के लेवल तक भी ये शेयर गया था, उसके बाद नीचे आ गया है, बने रहना चाहिए इनको इस शेयर में? एक तो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो जो स्टॉक है, जो बिजनेस है, वो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है, और अगर आप मुझे पूछेंगे तो शायद मुझे टाटा कंज्यूमर जो इसी स्पेस में है वो शायद अडानी विल्मर से ज्यादा पसंद आता है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरे अडानी ग्रुप में जिस तरह का मोमेंटम है और जिस तरह के उनके उन्होंने मैनेजमेंट ने बार बार दर्शाया है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने बिजनेसेस को ग्रो करने की काफी एक अग्रेसिव प्लान उन्होंने सामने रखा है, तो आई थिंक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और इसी स्टॉक में बने रहना चाहिए। आपकी खरीद भी काफी अच्छे प्राइस की है और बिजनेस भी अच्छा है, वैल्यूएशन से थोड़ा आगे ही स्टॉक प्राइस है, पर वो मुझे लगता है कि वो पूरे ग्रुप का असर है कि क्योंकि पूरे ग्रुप में मोमेंटम है तो जाहिर सी बात है अडानी विल्मर को भी उसका फायदा होगा, पर बिजनेस मुझे काफी अच्छा लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको भले रहना है।